यहाँ पे अभी बुरी तरह से अटक गए हैं क्योंकि आगे ना ये बकचोद लोगों ने रोड ब्लॉक करके रखी है। ऑनलाइन लिखा हुआ है ये 60 किलोवाट है, पता चला ये 30 है यहाँ पे आने के बाद, और दोनों ही गन्स नहीं चल रही। ऑल ऑफ अ सडन ना हवा एकदम कम होगी। गुड मॉर्निंग गाइस, 7 बज रहे हैं। जकूजी यूज नहीं किया, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, और अच्छा खासा सनराइज हो रहा है। जुबैर और गंदार ये F2 वगैरह उठे सुबह को टाइम लैप्स लेने के लिए। अभी हम यहाँ से निकलेंगे बिकॉज 10 घंटे की ड्राइव है, शूट वूट करेंगे, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, मतलब सोएंगे नहीं बाकी चीजें करेंगे, तो लगभग 12 घंटे तो लग जाएंगे पहुंचने में। कल रात की समस्या देखो, पार्किंग ठीक से मिली नहीं क्योंकि और गाड़ियां थी, तो ये देखो GLB थोड़ी लटक रही है बाहर। EQS तो फिट आ गई, और यहाँ से ऐसी बड़ी गाड़ियां आती नहीं तो कोई ऐसा इशू है नहीं। और बाय द वे ये देखो मेरी टी शर्ट, आज आई लव दिस टी शर्ट डिजाइन, सेक्सी और कंफर्टेबल नेक्स्ट लेवल। और क्योंकि लंबी ड्राइव है तो आज हम शॉर्ट्स पहन के चलाएंगे। क्या बूट है भाई, और कुत्ते झगड़ रहे हैं आजू बाजू, शांति रखो, 2 मिनट ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, स्ट्रेट जाएंगे, और कुछ भूख लग रही, नाश्ता भी करना है, लेट्स गो। देखो पॉकेट में मैं पानी की बॉटल फिट कर देता हूँ, आई लव कार्गो पैंट्स, ऑल्दो ये कार्गो पैंट्स नहीं है। बीच बीच में ऐसी सड़क भी आ जाती है जिसकी वजह से मुझे राइड हाइड रेस करनी पड़ती है गाड़ी की। ग्राउंड क्लियरेंस मतलब इतनी खास नहीं है, बट समहाउ मुझे रियलाइज हुआ कि EQS की ग्राउंड क्लियरेंस EQC से बेटर, और ये सेडान है वो SUV। पार्किंग सेंसर देख रहे हो क्या कमाल के हैं यार, हेड्स अप डिस्प्ले पे। तो अभी हम घाट में रुक गए हैं, यहाँ पे गंदार को चाय वाय पीनी थी, बोल रहे मुझे नींद आ रही है। अरे गाड़ी की आवाज क्या सेक्सी है, ये डीजल की क्लैटर, उसमें मजे लो। बट मजा आ गया घाट में चला के, मैं सोचा GoPro माउंट करता हूँ थोड़ी मजे के लिए, और मतलब आप देख सको। यहाँ पे अभी बुरी तरह से अटक गए हैं क्योंकि आगे ना ये बकचोद लोगों ने रोड ब्लॉक करके रखी है। एक यहाँ पे आई थिंक बलेनो या ग्लांजा, दूसरी साइड में अर्टिका, ये लोग ने बीच में गाड़ी लगा दी और रोक दिया सबको। पता नहीं क्या चलता है इंडिया में, लोगों को बस अपने टाइम की पड़ी, बाकी सब नहीं 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 वो तो बलेनो का एक्सीडेंट हुआ आई थिंक, एयरबैग खुल गया उसके। तो बेसिकली ये XL6 है और दूसरी साइड बलेनो है, ये दिख रही बलेनो, हेड ऑन कोलिजन है अपेरेंटली। और ये नहीं कि लोगों को जाने थे, बोल रहे रुको रुको, सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। याद है उस दिन जहाँ पे लंच किया था, जब आ रहे थे वहाँ पे हम अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं, क्या हुआ है ये दो बंदे आए यहाँ पे एकदम से छिपक के, मुझे लगा गाड़ी में बैठे हैं क्या, आपस ऐसे देख रहे, बोल गए नहीं गाड़ी में मस्त है। गंदा ने रिकमेंड किया है कुरमा पूरी, विच इज टेक्निकली पूरी सांबर चटनी, मतलब ये तो ये सांबर है ये चटनी है। अच्छा क्या बात है, और ये लोग तो हमेशा सेम चीज खाते हैं। कल ये गोवा के सी फूड होटल में गया और बोलता है कि कैन आई गेट प्रॉन डोसा। तो अभी फाइनली पहुंच गए हैं कोई तो रिजॉर्ट है, यहाँ पे अपेरेंटली पार्किंग है, मतलब पार्किंग नहीं सॉरी चार्जिंग है, और पूरी चार्जिंग घप हो गई। यस रिजर्व पावर पे आने वाला है 1-2 सेकंड के अंदर, क्योंकि मैंने बहुत तेज चला के खा ली। चलो यहाँ पे है चार्जर, आई होप काम कर रहा है, बस ओनली इलेक्ट्रिकल कार पार्किंग ही अच्छी बात है। ऑनलाइन लिखा हुआ है ये 60 किलोवाट है, पता चला ये 30 है यहाँ पे आने के बाद, और दोनों ही गन्स नहीं चल रही, तो अब हमें चार्ज करना पड़ेगा 25 किलोवाट पे, और मुझे ये पता नहीं था, मुझे लगा 60 होगा, मैंने पूरी बैटरी खा ली, आई एट इट कम्प्लीटली। अब जैसे आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत ही बकवास है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल। दुनिया के सबसे भंगार चार्जर है ना वो इंडिया आ जाते हैं, देखो ये काम नहीं करा, क्या मतलब, यू कैन नॉट रिलाई ऑन इट, यू कैन ओनली रिलाई ऑन अ कार विद अ बिग बैटरी पैक लाइक दिस। EQS हैज द बिगेस्ट बैटरी पैक इन द वर्ल्ड, 107.8 किलोवाट आवर, वो जो नेक्सॉन खड़ी ना उसको ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ी है बैटरी। चालू हुआ कि नहीं हुआ, लाइट ऑन होगी इसकी, डिस्प्ले वैसे ब्राइट है थोड़ा, ब्राइट है कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे डिस्प्ले पे, अभी पूरा ब्लैकआउट है सिवाय तुम्हारी शक्ल के। नो चार्ज आउटलेट एक्टिव बोल रहा है, क्या नेक्स्ट लेवल ऐप है ये तो। देखो एक सेकंड ना, हाँ चलो चार्ज करो, बुक नाउ EQS 2022। यस हद से ज्यादा टाइम लगाता है ये स्टार्ट होने में, चिंदी चार्जर। ये देखो भाई 27 पे ही चार्ज हो रहे हैं, बहुत स्लो है यार, इतना 3.5 घंटा लगेगा फुल चार्ज होने में, ऐसे कैसे चलेगा। मेरी चार्जिंग का स्ट्रगल देखते हुए ये तीनों ने ऐसी हरकत कर ली। वो मिरर है, हाँ मैं 1-3 दिख रहा हूँ मिरर में, वाह गंदार कौन से स्कूल गए थे ये बताओ। 3 मिरर है, 1-2-3। अच्छा और मैं 3 अलग अलग एक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई भूत भूत हूँ। शर्म आनी चाहिए, रेसिस्ट बन रहे हो। अब इसकी शादी में 999 लोग हो गए, एक कम हो गया तू भाई, और तू 10 के बराबर खाता भी है। इतना रेसिस्ट है ना ये, एक नंबर। इसमें चिकन कम लहसुन ज़्यादा दिख रहा है।
सो बेसिकली चार्जिंग रुक गई, बंद होगी ऑटोमेटिक, 20% चार्ज हुआ, 100 की रेंज बोल रहा है, क्योंकि लाइट गई तो इसने ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करके बोल दिया कि हिस्ट्री में ये तुम्हारी चार्जिंग हो चुकी है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यार, सीरियसली चार्जर सबसे भंगार है ना, सब इंडिया में डाल देते हैं, मतलब अच्छे चार्जर्स डालते ही नहीं है। बाहर के चार्जर्स जो नेक्स्ट लेवल क्वालिटी के होते हैं, ऐप डाउनलोड करो, गाड़ी को रजिस्टर करो, अपने पर्सनल डिटेल्स डालो, वॉलेट में पैसा डालो, ये सब बकचोदी करते करते तो मतलब आधा टाइम तो वहीं पे निकल जाता है, फिर चार्जर चलते भी नहीं ठीक से, उसको रीसेट करना पड़ा, अभी लाइट गई, अभी ये बकचोदी वो बकचोदी। गाड़ी बहुत भयंकर अच्छी है, थैंकफुली इसकी बहुत बड़ी बैटरी है, लेकिन क्या हुआ निकालना है फ्लैशिंग ना, लेट्स रिमूव इट। इसमें सब कुछ अनलिमिटेड है, सब कुछ बोले तो ये और ये छोड़, ये और ये छोड़ के बाकी अनलिमिटेड, तीनों छोड़ के, एक दो तीन, ओके। ऑल ओवर सडन ना हवा एकदम कम होगी रियर लेफ्ट में, रियर राइट में सॉरी, पता नहीं क्या चल रहा है, और चार्ज भी नहीं हुई गाड़ी ठीक से, तो अभी एक और चीज चालू होगी, लेट है यार। स्पीड देख रहे हो लगभग 80 किलोवाट एंड रफली आई थिंक, अरे बंद हो गई, तो ये लगभग 1 hour 15 minutes में फुल चार्ज जाएगी गाड़ी। मैं कहा हूँ पता है, यस GLS माई बाक, और मैं एक्चुअली आ गया हूँ मर्सिडीज शोरूम में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की पर्टिकुलर पार्किंग है, यहाँ पे EQS खड़ी वाइड में, वाइड में बहुत प्यारी लगती है, हमारी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है एंड चार्ज हो रही है, वो 180 किलोवाट DC अल्ट्रा फास्ट चार्जर है और फ्री है 2025 तक फॉर मर्सिडीज कस्टमर्स, क्या बात है, लेकिन 80 किलोवाट पे ही चार्ज हो रही है अभी। Few moments later. चलो फाइनली गाड़ी चार्ज हो गई अच्छी खासी, अभी रेंज 491 बता रही, प्रिडिक्टिव होती है इसमें इसलिए कम बता रही है रेंज, ऑब्वियसली विद टाइम द रेंज विल इंक्रीज एज वेल, और हम जाएंगे सीधा मर्सिडीज EQ में, यहाँ पे देखो 96% बैटरी बोल रही है। हवा भराने में वापस आ गया हूँ क्योंकि ये रियर टायर की हवा वापस कम होगी जैसे ही मैंने गाड़ी पाक की चार्जिंग के लिए, तो पंचर तो है इसमें और धीरे धीरे हवा निकलती रहती है, तो जब हॉल्ट करते हैं तो हवा निकल जाती है। अब इसको रिपेयर कराना है वो देखेंगे मुंबई जाके, ऐसा ना हो कल सुबह जब गाड़ी के पास गए तो फुल फ्लैट हो गया। तो फाइनली हम घर पहुंच गए, बहुत शानदार ड्राइव थी, मजा आ गया चला के, ओवरटेकिंग इतना आसान है ना, एक्सीलरेटर मारो बहुत ही सही एक्सीलरेशन है गाड़ी का, लेकिन इतने एक्सीलरेशन के चक्कर में एक चालान तो कट ही गया मुझे लग रहा है। सो बेसिकली मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आता, इस टायर की हवा चेक कराने जा रहा हूँ, डिनर करके आया हूँ मैं वापस, नींद आ रही है, ट्रांसफर करनी फुटेज कल के लिए, प्रिपेयर करने बहुत चीजें हैं, और लोग बोलते हैं बहुत इजी है यूट्यूबर बनना, तुम लाइट क्यों बंद कर रहे हो, बैटरी बचाने के लिए। प्रॉब्लम यह है ना पंचर दिख नहीं रहा, तो अभी इसको जैक पे चढ़ा के टायर निकाल के देखना पड़ेगा, वो कहते हैं ना पानी में डाल दें तो बबल निकलता है, बस भाई रोक दो, ये ना जेस्चर कंट्रोल से चलती गाड़ी। फाइनली मिल गया, ये दिख रहा है जो बबल, वहां से एयर लीक हो रही बहुत स्लोली, मतलब चलाते टाइम कुछ नहीं लीक होती, रोक के छोड़ दो गाड़ी बस धीरे धीरे आउट। इतनी छोटी सी केल है निकल ही नहीं रही, जिद्दी है एकदम। ये कैसे घुस गया अंदर जोर लगा के, अंदर घुस गया ये पक्का, लीक नहीं होगा, नहीं आपके सामने पानी मार, पानी नहीं, अगर हुआ लीक मैं कल वापस पहुंच जाऊंगा इधर, आइए ना आपका ही दुकान है। The next morning. Good morning. And ज़्यादा सोया नहीं, नींद फिर भी आ रही, लेकिन ऑफिस में जाके बहुत सारा काम जो करना है, तो चलो निकलते हैं। ऑफिस आगे क्या मस्त लग रही है 7 सीरीज, नई वाली तो और भी शानदार होगी। तो आज करण का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे करण, तो करण ने बर्थडे पार्टी दी ऑफिस में, उसको बोलता है कि सबको बोलना कि टीम लंच चाहिए। सैटरडे को अलग ही प्रोडक्टिविटी होती है, ऑफिस आया हूँ ऑलमोस्ट 4:30 से भी ज़्यादा हो गए हैं, और पूरा वॉइस ओवर ऑलमोस्ट लॉक कर दिया है नॉर्वे वाला, नॉर्वे का वीडियो मुझे टेंशन दे रहा था कि आई एम नॉट वेरी गुड विद वॉइस ओवर्स ना, तो पूरा सोचना समझना क्या करना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, वो अलग ही टेंशन थी। और गाड़ी अभी ओ माय गॉड उबल रही है, फुल पे AC ब्लास्ट, कम ऑन यू कैन डू दिस EQS, यू कैन डू दिस, कूलिंग ऑन करो सीट पे सबसे पहले, लेट्स गो। The next day. Keep coming. That's it. अब आगे ले लो। संडे का दिन है ना, तो हम इस कार से गए थे क्योंकि पार्किंग मुश्किल हो जाती है इसमें, बट शायद रात को चलाएंगे। आज संडे के दिन थोड़ी बहुत एडिट करने की कोशिश की है मैंने, पूरी तरीके से हो नहीं पाया बिकॉज बहुत टाइम लगता है, एंड कल मुझे स्क्रिप्ट बनाने, बिकॉज ऑब्वियसली अभी ट्रिप प्लान करे, देखो इसके डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली बस इसके डोर हैंडल्स ऑटोमेटिकली बाहर आ गए हैं बिकॉज मेरे पास चाबी इधर पॉकेट में, प्रॉब्लम है कल इसके साथ थोड़ा बहुत छूट वूट करना है, गाड़ी गंदी हो गई है संडे के दिन, ये तो धुलने नहीं वाली है। चलो लॉक करते हैं इसको। लाइट सीक्वेंस इसका बहुत सेक्सी है, आगे से जितनी सेक्सी है पीछे से उतनी सेक्सी होती तो और मजा आता, क्योंकि लोग पिछवाड़ा मतलब पीछे का ही देखेंगे ना बिकॉज इतनी फास्ट है। ये 13 Pro Max से 14 लिया, 13 Pro Max लिया मैंने फिलहाल। तो हमारी रेंटल कार आ गई, ये एक्चुअली ब्रांड न्यू है, 0 किलोमीटर चली, बोल रहे हैं देखता हूँ अंदर कितने। जिस ऑफिस में अभी आया हूँ इसका रेंट 1 साल का लगभग 3 करोड़ रुपए है।